आज तो लगता था कि बारिश भी किसी छोटे बच्चे की तरह जिद पर अड़ गई थी। सुबह से रात होने को आई, लेकिन ये लगातार बरसती ही रही। घरों के बाहर बारिश का पानी लगातार सड़कों पर बहता जा रहा था, और उसी शहर में रहने वाले मनोहर और जानकी के आंसू अपने बेटे और बहू की बातों को सुनकर बारिश की तरह ही बहे जा रहे थे। देखो जी, मैं अब थक गई हूँ तुम्हारे बूढ़े माँ बाप की सेवा करके। मुझसे नहीं होता है ये सब। सारा दिन इनके पीछे ही लगी रहूंगी तो अपनी जिंदगी कब जीऊंगी। अरे धीरे बोलो, माँ बाबूजी ने सुन लिया तो उन्हें बुरा लगेगा। मुझे बुरा लग रहा है उसकी कोई फिक्र नहीं तुम्हें। बड़े आए माँ बाबूजी के शुभचिंतक। कान खोलकर सुन लो, अब या तो मैं इस घर में रहूंगी या तुम्हारे वो मुफ्तखोर बूढ़े और बीमार माँ बाप। मनोहर और जानकी के दूसरे बेटे रमेश और उसकी पत्नी दिव्या में भी इस बात को लेकर ठनी हुई थी। आप तो सारा दिन दुकान पर रहते हो, मुझे ही पूरा दिन झेलना पड़ता है आपके माँ बाप को। बड़ी दीदी तो कुछ भी नहीं करती, सारा दिन हुक्म चलाती रहती है। मैं आलोक भैया और भाभी से बात करूंगा। बात करोगे? क्या बात करोगे? मैं बोल रही हूँ तो समझ में नहीं आ रहा है आपको? देखिए, मुझसे नहीं होती अब आपके माता पिता की सेवा। या तो आप उन्हें घर से निकालिए या मुझे। मनोहर और जानकी अपने दोनों बेटों और बहुओं की बात को सुन रहे थे और अपनी किस्मत को कोसते हुए कह रहे थे। मुझे मौत आ जाती तो ठीक रहता जानकी, कम से कम इस बुढ़ापे में हमारे बच्चे हमारे लिए परेशान तो नहीं होते, आपस में लड़ते तो नहीं। सिर्फ आपको क्यों, हम दोनों को मौत आ जाती तो हम मुक्त हो जाते। मनोहर और जानकी की इन बातों को उनके पोते और पोती ने सुन लिया। वो अपने दादा और दादी को बहुत प्यार करते थे। उन्होंने जब उन्हें ऐसी बातें करते सुना तो उनकी आंखों में आंसू आ गए। राम भैया, दादा और दादी बहुत रो रहे थे, वो मरने की बात भी कर रहे थे। अगर वो मर जाएंगे तो हमें कौन प्यार करेगा? ऐसा मत कह चुनमुन, दादा दादी को कुछ नहीं होगा। चुनमुन काम्या और आलोक की बेटी थी और राम रमेश और दिव्या का बेटा था। वो ये बातें कर ही रहे थे कि तभी उन्हें अपने दादा और दादी के जोर जोर से रोने और चिल्लाने की आवाज़ आई। वे भाग कर बाहर आए तो उन्होंने देखा कि अरे आलोक बेटा, इस उम्र में हम दोनों कहाँ जाएंगे, है कुछ तो दया करो हम पर। इस तरह हमें घर से मत निकालो बेटा। क्या हुआ, रुक क्यों गए आप? देखिए, इन दोनों को आज के आज यहाँ से निकाल दीजिए, नहीं तो मैं चली मायके। आलोक की पत्नी काम्या ने भी यही बात दोहराई और वे सभी मिलकर मनोहर और जानकी को घर से बाहर धक्का देने लगे। मनोहर और जानकी उनके आगे गिड़गिड़ाने लगे। ऐसा मत करो बेटा, ऐसा मत करो, तुम्हें दिक्कत है तो मुझे बाहर निकाल दो, लेकिन अपनी माँ को मत निकालो। तुम्हें पता है ना उसकी तबीयत कितनी खराब रहती है। देखो बेटा। देखिए पिताजी, ये रोज रोज की चिक चिक से हम तंग आ गए हैं। आप लोगों ने तो अपनी जिंदगी जी ली, अब हमें शांति से जीने दीजिए। बिल्कुल ठीक कह रहे हो भैया, नरक बना दिया है इन दोनों ने हमारा जीवन। अरे अब हमारा भी परिवार है, हमारे भी बाल बच्चे हैं, कब तक हम इन्हें ढोते रहेंगे, तरह तरह के पकवान इन्हें खिलाते रहेंगे, कब तक अपनी जरूरतों से समझौता करके इनके लिए दवा दारू करते रहेंगे। देखिए, बातों में समय मत गवाइए और मारिए धक्का दोनों को और निकालिए बाहर। चुनमुन और राम ने जब अपने माता पिता द्वारा दादा दादी को बाहर भगाते देखा तो वे सहम गए। उनकी आंखों से झरझर कर आंसू बहने लगे। राम भैया, मम्मी पापा को और चाचा चाची को बोलो ना कि वे दादा दादी को घर के बाहर ना निकाले, उन्हें उनसे दिक्कत होती है तो मैं अपनी एक रोटी उन्हें दे दिया करूँगी। राम ने चुनमुन की बातों का कोई जवाब नहीं दिया, लेकिन वो मन ही मन कुछ सोचने लगा। उधर उस मूसलाधार बारिश में मनोहर और जानकी को उनके ही बच्चों ने घर से बाहर निकाल दिया। वो रोते रहे, गिड़गिड़ाते रहे, लेकिन उनका दिल तो जैसे पत्थर का हो गया था। जानकी, हमें पता होता कि बच्चे ऐसे होते हैं तो हम कभी भी बच्चे पैदा नहीं करते। ऐसा मत बोलिए आप, उनकी भी मजबूरी समझिए। ऐसी क्या मजबूरी है जानकी कि अपने ही बेटे और बहू अपने माँ बाप को धक्के मार कर निकाल दे। हाँ, जानकी और मनोहर उस बारिश में पुराने दिनों को याद करते हुए चले जा रहे थे। माँ, मुझे बुखार अच्छा नहीं लगता है, तुम इसे जल्दी से ठीक कर दो ना। हाँ बेटा, मैं इसे तुरंत ठीक कर दूंगी, लेकिन इसके लिए ये दवा खानी पड़ेगी। दवा? लेकिन ये तो बहुत कड़वी है। कड़वी नहीं है। नहीं माँ, कड़वी है। अच्छा ठीक है, तुम इसे खा लो, मैं चीनी दे दूंगी। तभी रमेश भी स्कूल का बस्ता लेकर वहाँ आ जाता है। माँ, जोरों की भूख लगी है, क्या बनाया है आज तुमने? अरे आज ज्यादा कुछ तो नहीं बना पाई क्योंकि आलोक की तबीयत ठीक नहीं है ना, लेकिन तुम हाथ मुंह धो लो, मैं तुरंत तुम्हारे लिए गर्मा गर्म हलवा बना देती हूँ। हलवे के नाम पर रमेश के चेहरे पर मुस्कान आ गई।
जानकी और मनोहर अपने बच्चों को बहुत प्यार करते थे, उनकी हर छोटी मोटी बातों का ख्याल रखते। एक बार तो दोनों बच्चों ने एक साथ ही साइकिल खरीदने की जिद पकड़ ली और उन्होंने कहा कि जब तक साइकिल नहीं आएगी वो खाना नहीं खाएंगे। लेकिन उस समय मनोहर के पास पैसे नहीं थे तो जानकी उसके पास आई और कहा, अरे आप चिंता मत करिए, पैसों का जुगाड़ मैं कर दूंगी, बस आप मेरे बच्चों के लिए साइकिल लेते आइए। ये कहकर जानकी ने अपने सोने की अंगूठी मनोहर को दे दी। क्या जानकी, कितनी मेहनत से पैसे जोड़कर मैंने पहली बार तुम्हारे लिए कुछ बनाया था, लेकिन तुम अब इसे बेचने के लिए कह रही हो। जी, अंगूठी फिर से बन जाएगी, आप जाकर जल्दी से साइकिल ले आइए, मुझसे मेरे बच्चों का उदास चेहरा नहीं देखा जाता। साइकिल देखकर दोनों बच्चे बहुत खुश हुए, लेकिन एक सप्ताह के बाद ही साइकिल चलाते हुए वो गिर पड़े और उनके घुटने छिल गए, जिसे देखकर जानकी की तो सांसें ही रुक गई। हे भगवान, कितनी बड़ी चोट लगा ली तुम दोनों ने, तुम लोग जरा भी अपना ध्यान नहीं रखते। अरे माँ, मामूली चोट है, ठीक हो जाएगी। मामूली है, ये देखो कितना खून निकल रहा है, जल्दी से इसे अस्पताल ले चलो। जब तक दोनों के घाव नहीं भरे, जानकी ने ना तो ठीक से खाया और ना ही सोई। मनोहर भी अपने बच्चों की फिक्र में लगा रहा। पुरानी सारी बातें सोचकर मनोहर और जानकी चले जा रहे थे। उधर घर से निकाले जाने के बाद उनके दोनों बेटे और बहू बहुत खुश थे। हर चीज का समय होता है भैया, देखिए आज माँ बाबूजी चले गए तो घर कितना शांत लग रहा है, नहीं तो हर दिन वही किचकिच। और क्या देवर जी, चलिए मुक्ति मिली, अब मुक्ति मिली है तो चलिए पार्टी करते हैं, इस संडे को सभी मिलकर कहीं घूमने चलते हैं। वो ये बातें कर ही रहे थे तभी वहाँ पर राम और चुनमुन आ गए और फिर राम और चुनमुन ने एक ऐसी बात उनके सामने कही जिसे सुनकर वो सन्न रह गए। पापा, एक दिन सभी लोग बूढ़े हो जाते हैं क्या? हाँ बेटा, सभी हो जाते हैं। एक दिन आप और मम्मी भी बूढ़े हो जाएंगे। हाँ बेटा, लेकिन तुम ये सब क्यों पूछ रहे हो? क्योंकि जब आप लोग बूढ़े हो जाएंगे और एक रात जब बहुत बारिश होगी तो मैं अपनी पत्नी के साथ आप दोनों को धक्के मार कर घर से उसी तरह निकाल दूंगा जैसे आपने दादा और दादी को निकाला है। मैं भी आप दोनों को निकाल दूंगी, क्योंकि जब आप बूढ़े हो जाएंगे तो हमें भी तो समझौते करने होंगे आपकी दवा दारू के लिए। अपने बच्चों की बातें सुनकर सभी की आंखों में आंसू आ गए, उन्हें अपनी गलती का एहसास हुआ। उन्होंने अपने बच्चों से माफी मांगी और तुरंत घर से बाहर निकल पड़े। बाहर अभी भी तेज बारिश हो रही थी, सड़कों पर पानी भर गया था, बाढ़ की स्थिति हो गई थी। लेकिन आलोक और रमेश इसकी परवाह किए बिना अपने माँ पिताजी को आवाज देते हुए बढ़े जा रहे थे। माँ, माँ, बाबूजी, बाबूजी। इधर पानी का बहाव बहुत तेज हो गया था और उसी बहाव के कारण जानकी का हाथ मनोहर से छूट गया और वो दोनों पानी में डूबने लगे। जानकी, जानकी। उस आवाज को सुनकर रमेश और आलोक उसी दिशा में बढ़ने लगे। तभी उनकी नजर डूबती हुई अपनी माँ और पिता पर गई। वे दोनों उनकी तरफ बढ़े और उन्हें डूबने से बचा लिया, हालांकि दोनों बेहोश हो गए थे। रमेश और आलोक ने अपने माँ और पिता को पीठ पर उठाया और घर आ गए। जब उन दोनों को होश आया तो उनके बेटे और बहू उनके सामने सिर झुकाकर बैठे हुए थे। अरे सुनते हो जी, ये देखो हमारे बच्चों ने हमें बचा लिया, वो फिर से हमें अपने घर ले आए हैं। माँ, पिताजी, ये आपका ही घर है, हमसे बहुत बड़ी भूल हो गई, हम सभी को माफ कर दीजिए। अरे कोई बात नहीं बेटा, तुम लोग मेरी आंखों के सामने रहो और हमें कुछ नहीं चाहिए बेटा, कुछ नहीं, क्योंकि तुम लोग हमारे बिना रह सकते हो पर हम नहीं रह सकते। जानकी की बातों को सुनकर सभी उनके पैरों पर गिर पड़े। जानकी और मनोहर ने सभी को गले से लगा लिया। चुनमुन और राम भी अपने दादा और दादी को गले लगाकर मंद मंद मुस्कुरा रहे थे। दोस्तों, आप हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें।